नहीं, 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 नही
चौथा दृश्य। ये दृश्य 3 महीने बाद का है, जिसमें वही बच्चे जो जबरदस्ती नशे के शिकार हुए थे, उसमें से एक ज्यादा नशे के कारण अपनी जान से हाथ से आवाज नहीं आ रही थी, वही थोड़ा जोर से बोले ना। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने, वो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। और मैं बड़ी हूँ, आप बताओ। अरे पेट खराब हो गया था यार। अरे नशे, मैं टच नहीं करता नशे को। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे शुक्र इनको पता नहीं चला, बेस्ट यार कॉलेज में। तो बड़े लोग आए देखने यार, घूमते हैं। अरे ये वही है ना, अरे मैंने छोड़ दिया थी। ये माल लाया हूँ, ट्राई करेगा। वो सही है यार। अरे क्या दे रहा हूँ, अरे नहीं 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 यार, अरे क्या दे रहा है, कुछ नहीं यार, पाउडर लग जाता है, मिट्टी मिट्टी होगी। अरे कुछ नहीं ना यार, आ जाना। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा भाई, दारू पीनी बंद करती, उसने कवारा वेख के अखा विच वखरा नजारा वेख के, उसने कवारा वेख के अखा विच। हां भाई बिल्कुल ठीक। थोड़ी जही पीती बेहिसाब चढ़ गई, थोड़ी जही पीती बेहिसाब चढ़ गई, ओ परे हो जा जटड़ू शराब चढ़ गई।
अगले दही 3 महीने बाद का है जहाँ वो लड़का एकदम स्वस्थ होकर घर वापस लौट आता है। मैं ठीक हो गया, मैंने नशा छोड़ दिया। अरे वाह बच्चे, खुश रहो खुश रहो। तो देखा आप सभी ने कैसे नशे के कारण मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, पर आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए अपने किसी भी परिजन को जिसे भी नशे की लत है नशा मुक्ति केंद्र जाइए और उन्हें इससे मुक्ति दिलाइए। धन्यवाद।